रीड विद मी, कीवर्ड्स रीडिंग स्कीम। आज हनान जो है रीडिंग खुद से करेगा, खुद से रीडिंग करना सीखेगा, स्टार्ट करेगा, साउंड्स को कनेक्ट करके वर्ड्स से प्रोनाउंस करना सीखेगा और उससे फिर फ्रेजेस बनाएगा। चलें स्टार्ट करें। मैं आ रहा तस्वीर में हो चुका। नहीं, यहीं से स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, ब्रेक करो अल्फाबेट्स को। एस एच ओ पी शॉप, आ शॉप। और अरे की साउंड बताओ एस एच ओ पी की। हाँ, क्या बना? शॉप। शाबाश, आ शॉप। इसका मतलब क्या हुआ उर्दू में? मीनिंग क्या हुआ इसका? आ शॉप क्या है ये? शॉप एक दुकान। जबरदस्त। देखो दुकान में क्या क्या है। दुकान में है बुक्स, बहुत सारी बुक्स, जूते, बॉयज के जूते, टेडी बियर्स। और क्या है इस दुकान में, क्या मिल रहा है? कपड़े। ऐसी दुकान आपने कोई देखी है? कैसे? जैसी इसमें बनी हुई है पिक्चर्स में। ऐसी दुकान जूतों की दुकान छोटी सी होती है और बुक्स की दुकान छोटी सी यहाँ है। टेडी बियर की दुकान होती है। कपड़ों की कोई दुकान देखी है आपने? हाँ, वो भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। E-R-E क्या बना? हेयर। हाँ, हेयर का मतलब है क्या है? एक एक हेयर तुम और मुझे बता रहे थे। एक हेयर, हाँ वो बाल वाला हेयर, वो HAIR। हाँ, ये कौन सा है? HERE। HERE का क्या मतलब है? यहाँ, ये या यहाँ? हेयर, यहाँ। हेयर के आगे क्या लिखा है? हेयर के आगे लिखा है एस, एस आई एस एस। आ शॉप। पीछे भी हमने ये ना शॉप कैसे वहाँ पढ़ा है आ शॉप। हाँ। और यहाँ लिख पड़ा है हेयर इज अ शॉप। हेयर इज अ शॉप का क्या मतलब हुआ? आगे छोड़ दे आप इस शॉप को और इस शॉप को देखो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम है, वही वर्ड है, वही वर्ड है। वो बार बार रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट फेजेस में ताकि आपको पढ़ना आ जाए, रिकॉग्नाइज करो उसको। हेयर इज अ शॉप का क्या मतलब है? यहाँ है एक शॉप। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छा। चलो बेल बज गई।